सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यर्थपीठ के बारे में। आप लोगों ने साइट पर देखा होगा कि यर्थपीठ बना के रखे होंगे, उसका एक वैल्यू आता है। यर्थपीठ कैसे चेक करें, इस सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। दोस्तों, साइट पर जितने भी हमारे पीडीपी बॉक्स होता है, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, वो हर एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को हम अर्थिंग देते हैं और उस अर्थिंग का एक पिट बनाते हैं गड्ढा खोदकर। ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, महीने में वंस हम लोग चेक करते हैं। अब जब चेक करते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। उस समय हमें जो डिजिटल अर्थ टेस्टर होता है, जो मीटर है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। एक हैमर की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है, हैंड ग्लोव्स की ज़रूरत पड़ती है, जो इलेक्ट्रोड्स है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं जहाँ पर हमारा पिट होता है। पिट से एक इलेक्ट्रोड 5 मीटर की दूरी पे, दूसरा इलेक्ट्रोड 10 मीटर की दूरी पे हम लोग उसे क्या करते हैं, थोड़ा सा हैमर में मार के ज़मीन में गाड़ देते हैं। गाड़ देने के बाद क्या करते हैं, फिर हम लोग जो है यर्थपीठ को चेक करते हैं। चेक करने के दौरान जैसा कि इसका जो वैल्यू है जो दोस्तों 5 आर्म्स के नीचे आना चाहिए। 5 आर्म्स के नीचे आएगा तभी ये अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू ठीक है। ठीक है, अगर 5 से ज़्यादा जाता है फिर उसे चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी बात दोस्तों, जो भी हमारा यर्थपीठ रहता है उसे हमेशा कवर करके रखना चाहिए। जैसा कि आप इस वीडियो में फ़ोटो में देख सकते हो कि जो यर्थपीठ है उसे कवर करके रखा गया है। और जो यर्थपीठ है उसका प्लस एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगाना पड़ेगा। जैसा कि आपका यर्थपीठ नंबर 01 है तो 01 लिखना है, जो आपका साइट का लोकेशन है, साइट का लोकेशन लिखना है, और जो इंस्पेक्शन डेट है, सो फॉर एग्जांपल आपका इंस्पेक्शन डेट जो है 1 जनवरी 2022 है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्पेक्शन डेट आएगा महीना में एक बार, फिर नेक्स्ट 2 फरवरी 2022 आएगा, कुछ इस तरह से इंस्पेक्शन डेट लिखना है। और जितना उसका वैल्यू आया है, जितना उसका रीडिंग आया है, कुछ जो रीडिंग है उसे भी कुछ उस तरह से लिखना है ताकि विजिबिलिटी बना रहे। तो एक क्या करते हैं हम लोग, अक्सर एक प्लेट ले लेते हैं, प्लेट के ऊपर वो वाइट बैकग्राउंड कर देते हैं। वाइट बैकग्राउंड पे हम लोग ब्लैक में लिख देते हैं, ब्लैक पेंट में। तो क्या होता है, ज़्यादा शाइनिंग आता है, दूर से ही चमकता है। कोशिश कीजिए यर्थपीठ को हमेशा ढक कर रखने के लिए, और हो सके तो उसके ऊपर, वो अकॉर्डिंग टू कंपनी वैरी करता है। कंपनी ज़्यादा पैसा खर्च करती है तो उसके ऊपर प्लेट लगा देती है। अगर कंपनी छोटी मोटी है तो क्या करती है, छोटा सा जो बैरिकेड का MS का पाइप होता है उसको क्या करते हैं हम लोग चारों तरफ लगा देते हैं ताकि उसके अंदर कोई गिर ना जाए और जो यर्थपीठ है वो हमेशा सेफ तरीके से रहे। आप लोग इस फोटो में देख पा रहे होंगे, इसका जो रीडिंग है ये 0.98 ओम्स आया हुआ है। दोस्तों ये देखिए, जो जैसे कि मैंने बोला बैरिकेड कर देना है, कुछ इस तरह से बैरिकेड कर दिया गया है यर्थपीठ को। यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिशियन भी है, सेफ्टी डिपार्टमेंट भी खड़े हुए हैं, और उनका जो हेल्पर है वो कुछ मदद कर रहा है। कुछ इस तरह से हमें जो है दोस्तों यर्थपीठ का चेकिंग करना होता है। दोस्तों याद रखिए 5 आर्म्स के नीचे आना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला था। देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें जो है मार्किंग करना होता है। एस अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू लिखा हुआ है, ड्यू डेट लिखा हुआ है, नेक्स्ट ड्यू डेट लिखा हुआ है, और जो स्टेशन है, जो लोकेशन है, जो साइट है उसका भी नाम लिखा हुआ है। ऊपर में देख सकते हो यर्थपीठ नंबर 52 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। कुछ इस तरह से हम लोग जो है यर्थपीठ बनाते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, हैमर भी है और यहाँ पे बगल में एक लिक्विड है, लिक्विड साफ़ करने के लिए रखा जाता है। कभी कभी जो होता है ना कंक्रीट वगैरह, फिर मॉइस्चर की वजह से, वो वहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, जंग लग जाता है तो ठीक से पकड़ता नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसे थोड़ा साफ़ कर देते हैं, TWT जो एक केमिकल टाइप का आता है उसमें साफ़ कर देते हैं, तो फिर लगा देते हैं तो फिर अच्छा पकड़ने लग जाता है। ये फ़ोटो में भी आप लोग देख सकते हो, इसमें भी 0.04 आया है इसका ओम्स। तो कुछ इस तरह से हमें जो है रीडिंग लेनी होती है।
इसके लिए जो है दोस्तों, जो कंप्यूटर इलेक्ट्रिशियन है वही होना चाहिए। और रीडिंग के लेने के साथ साथ हमें जो है इसे नोट करना होता है, सबमिट करना होता है। एक देख सकते हो अर्थपीठ कुछ इस तरह से दिखता है। आप लोगों ने बहुत सारा लोग देखे होंगे अर्थपीठ, तो अर्थपीठ को हमें कुछ इस तरह से रखना है कि कहीं बगल अगल बगल में किसी को तकलीफ़ ना हो जाने आने के लिए। गड्ढा जो है उसका जो पिट है उसे हमेशा क्लोज करके रखना पड़ता है। ये देख सकते हो, आप लोग जो है आपके साइट में इम्प्लीमेंटेशन कीजिए अर्थपीठ का और चेक कीजिए उसका वैल्यू कितना आ रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया समझने के मिला होगा। जब तक जय हिंद, जय सुरक्षा।